आपके तमाम सदस्य पदाधिकारी मंच पर उपस्थित, जो पूरे प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी प्रोग्राम होता है तो पूरे प्रदेश में बैठे हमारे साथ, चाहे वो किसी भी कोने में हो, वहां पर पहुंचने का काम करती है जाती है, उसी प्रदेश कमेटी के लिए जोड़ा ताली बजाता हूं। केसी अगर प्रदेश कमेटी अगर हमको मिली है तो इस मध्य प्रदेश के आयुष्मान पार्टी का हम लोग झंडा मंडा दोनों बंद करने वाले साथियों को धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित ग्वालियर की हमारी महिला मोर्चा और यहाँ पर उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण हमारे युवा साथियों, हमारी माताएं, बुजुर्ग, आज भाई की वजह से एक हमारा भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता एक थाना प्रभारी की कलर पकड़ने की जरूरत करता है, वो अन्याय करता है। ये ताकत मिलती है हमें भाई से, ये ताकत मिलती है संविधान से। तो साथियों, इस देश के अंदर संविधान बचाने की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। और साथियों, अगर हम आज भी अगर बड़े चंद्रशेखर आजाद जी का साथ नहीं देते हैं तो कल से आप फिर ये कहेंगे कि मान्यवर कांशीराम जी सही थे, उस समय हमने साथ नहीं दिया। तो साथियों, फिर हमें ये वर्णन बोलना पड़े, तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़े। इसीलिए आप संकल्प लीजिए भितरवार की धरती से कि ग्वालियर जिले के अंदर 2020 में जिस तानाशाही सरकार ने भीम आर्मी को बैन करने की बात कही थी, ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पांच पांच प्रतिमाएं टूटी, यहां पर हमारी माता बहनों चरखा गांव के अंदर लाठीचार्ज हुआ, साथियों उन सब का हिसाब लेने का समय आने वाला। साथियों, तो जब भी हमारे यहां मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा समय आएगा तब आपको अपने दोनों हाथ उठाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना पड़े। सब बताइए, हम तैयार है कि नहीं तैयार है कि भाई चंद्रशेखर के साथ है कि नहीं है आप लोग? अगर साथियों आप लोग तैयार हैं तो मैं संकल्प लेता हूं मध्य प्रदेश की धरती से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ की भाजपा और कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पर बनती जा रही है, ये यहाँ से छोटा सा कार्यकर्ता साथियों आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में चैलेंज करेगा और ये सब आप लोग करेंगे। साथियों, मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का एक प्रश्न बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया कांग्रेस ने चरखा वाले मीटर में, तो यहाँ के पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि आप लोग सरकारी जमीन की प्रतिमा लगाते हैं, आप लोग प्रतिमा लगाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? तो मैंने उस पत्रकार को माननी पड़े भाई ये कहा कि ये आंदोलन नहीं करेंगे, आप विधानसभा जाकर प्रतिमा लगाने का काम बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई।